1 जून यानी शनिवार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पैन कार्ड, आर्मी कैंटीन और पेट्रोल पंप के कई नियम बदल गए हैं। अपने काम की खबर से रहिए अपडेट। नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है ताकि इनसे जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठाने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेट्रोल की जरूरत हर एक को पड़ती है, इसलिए सबसे पहले जानिए पेट्रोल पंप के बदले हुए नियम। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त लेकिन बहुत जरूरी कदम उठाया है। प्रशासन के निर्देश पर अब सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल पंप नियम जारी कर दिया गया है। अब किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने आने वाले बाइक या स्कूटर चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही इन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हेलमेट न लगाना कानूनी धाराओं के तहत अपराध है जिसमें जुर्माना और कैद हो सकती है। पर लोग इसे नहीं मानते और कई बार हादसों की मुसीबत झेलते हैं। प्रशासन ने सभी पंप डीलर्स को आदेश दिया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि बिना हेलमेट पहने तेल डलवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को कैमरे में कैद किया जा सके। कि यहाँ पर जो भी जिस पेट्रोल पंप पर आए और अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हेलमेट लगा कर आ रहे हैं उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है और जो लोग हेलमेट लगा कर नहीं पहुँच रहे हैं उन्हें पेट्रोल देने से मना कर दिया जा रहा है। साफ हिदायत दी गई है सभी पेट्रोल कर्मियों को कि वो बिना हेलमेट वालों को बिल्कुल भी पेट्रोल ना दे। जमाना तेजी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में आरबीआई ने आम आदमी और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया है। फिलहाल आरटीजीएस के जरिए शाम 4:30 बजे तक ही मनी ट्रांसफर की सुविधा थी। शनिवार से आम लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वैसे आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़ी रकम के ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इसके तहत कम से कम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है। कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट यानी सीएसडी कैंटीनों में बाजार भाव से सस्ते दामों पर सामान मिलता है। यही वजह है कि कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। इसे रोकने के लिए सेना ने शनिवार को नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पूरी सर्विस के दौरान जवान कैंटीन से खरीद सकेंगे सिर्फ एक कार, तो सैन्य अधिकारी 8 साल में बदल सकेंगे अपनी चारपहिया। सेना के इस नए नियम के तहत सैन्य अधिकारी 12 लाख तक की ही गाड़ी कैंटीन से खरीद सकेंगे जिसकी क्षमता 2500 सीसी से ज्यादा ना हो। इसी तरह जवान अब अपनी सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार कार खरीद पाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद जीएसटी मिलाकर 6.5 लाख रुपए तक की ही कार खरीद सकेंगे। दरअसल सेना अधिकारी, जवान और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सिविलियंस को कार खरीदने पर मार्केट प्राइस की तुलना में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की बचत होती है। ये सीएसटी कैंटीन में चार पहियों की कीमतों के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार जीएसटी पर 50% की छूट देती है और कंपनियां कैंटीन के लिए कारों के दाम मार्केट प्राइस से कुछ कम रखती हैं। मुंबई की लोकल एसी ट्रेन में शनिवार से सफर महंगा हो गया है। दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई इस ट्रेन के टिकटों पर शुरुआती डिस्काउंट को खत्म करने का फैसला रेल मंत्रालय ने किया है। वेस्टर्न रेलवे ने गुरुवार को ये घोषणा की थी। इससे एसी लोकल के टिकट 5 से लेकर 15 रुपए तक महंगे हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद एसी लोकल का न्यूनतम टिकट अब 60 से बढ़कर 65 रुपए का और अधिकतम टिकट 205 से बढ़कर 220 रुपए का हो गया है। चर्चगेट से लेकर विरार तक चलने वाली लोकल स्तर पर देश की ये एकमात्र एसी रेल सेवा है। इस रूट में 12 एसी ट्रेनें सोमवार से शुक्रवार तक चलती हैं, जिनसे वेस्टर्न रेलवे को साल में करीब 24 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। तो अब ऐसी जानकारियों से काम की खबर के जरिए रहिए अपडेट और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।